तो लिट्टी गरम गरम सिखा रहा है। तो बिहार का लिट्टी तो भाई हर जगह पहुंच गया है और हर जगह बिहारी भी पहुंच गया है। तो हम बात आते हैं मुद्दे पर, ये जो गवर्नमेंट आई है 4.5 साल हो गई मोदी गवर्नमेंट की हो गई, तो आपको कितना अच्छा लग रहा है गवर्नमेंट, कितना आपको लग रहा है अपने जीवन में आपको असर आया बदलाव? सर देखिए, मोदी सरकार आने के बाद हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो एकदम दूसरी डायरेक्शन में चला गया था। जब आए थे तो बड़ा अच्छा नारा दिया, अच्छे दिन आएंगे आएंगे, आज एकदम रिवर्स डायरेक्शन में हम खड़े हैं। अगर हम डॉलर की बात करें तो रुपया हमारा डॉलर की तुलना में एकदम धराशायी हो गया है। भारत के इतिहास में कभी भी रुपया इतना नहीं गिरा, यहाँ तक कि आपकी श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी कंट्री की करेंसी जो है इतना नहीं गिरी। अगर हाल फिलहाल में आप देखेंगे, बांग्लादेश से भी गिर रहा है, एशियन कंट्री बांग्लादेश से भी गिरा हुआ है। दूसरी बात, एक जो निचले तबके का आदमी है, निचले पायदान में बैठा आदमी है, आज उसका जीना दूभर हो गया है। मोदी सरकार के आने के बाद तेल महंगा, राशन महंगा, खेती महंगी। आज आप अंदाज़ा लगाइए, एक किसान जो एक लीटर डीजल पहले खरीदता था 35 रुपये का, आज वो 70 रुपये खरीद के कैसे खेत सींचेगा? आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आज देश का फसल बीमा योजना दी है मोदी सरकार? फसल बीमा योजना, आप चले जाइए उत्तर प्रदेश, चले जाइए बिहार, 5-5 रुपये के चेक आ रहे हैं लोगों के पास। मजाक किया है इन्होंने किसानों के साथ। किसान आज भी आत्महत्या उसी दर से कर रहे हैं। बुंदेलखंड चले जाइए, मैं बुंदेलखंड टहल के आया हूँ, वहाँ का आज भी किसान भूखों मर रहा है। बुंदेलखंड पिछले 35 साल से अपने यहाँ सिंचाई की मांग कर रहा है, बगल से यमुना नदी बुंदेलखंड के पैरेलल निकल रही है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वहाँ सिंचाई की सुविधा दे सकती है। बुंदेलखंड पे अगर सिंचाई नहीं दे पा रहे हो तो आप वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन क्यों नहीं घोषित कर देते? तो ये मैं सिर्फ बुंदेलखंड की बात नहीं कर रहा, आप हिंदुस्तान किसी को महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र में भी किसानों की दुर्दशा है। डीजल के दाम बढ़ने के बाद क्या किसान सर्वाइव कर पाएगा? इसके बाद इन्होंने बोला कि हम 2 गुना दाम बढ़ा दिए हैं फसलों का, जो क्राफ्ट है। क्या लगता है कि 2 गुना किसान को मिला है? आज किसान जब मंडी में गेहूं बेचने जाता है तो रेट तो 1200-1300 रुपये का है, लेकिन उसको पैसा नहीं मिलता। करता क्या है किसान बेचारा, 1200 की पर्ची कटवाता है, 1100-1100 रुपये पे लेके आता है, 2 रुपया पर सैकड़ा मंडी का जो व्यापारी है उसको दे के आता है ताकि उसको पैसा तुरंत मिल जाए। किसान को न तेल मिल रहा है, न उसके सम अनाज का पैसा मिल रहा है। गन्ना किसानों की हालत किसी से छुपी नहीं है, पिछले 20 साल से गन्ना किसान हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आप बड़ा गुस्सा नजर आ रहे हैं सरकार से। हम मोदी सरकार के बड़े समर्थक थे, लेकिन आज हम बोलते हैं हिंदुस्तान की सबसे गिरी हुई सरकार है ये। इनसे अच्छे तो मनमोहन सिंह थे, कम से कम इकोनॉमी संभाल के रखी थी इन्होंने। जो इन्होंने तो काम नोटबंदी किए कि देश में काला धन वापस आ जाएगा, लोगों को जो गरीबों को पैसा पहुंचेगा, अलमारी और गद्दा जो पैसा रखा वो बाहर निकलेगा, उसमें अंबानी का पैसा बाहर निकला है और उस पर 4G लग गया है इनका, जियो लग गया है। अंबानी का पैसा घर से निकला है, उन्होंने जियो लगा दिया क्योंकि उनको पहले से पता था नोटबंदी आने वाला है। आप RBI के आंकड़े उठा लीजिए, 15 लाख करोड़ RBI का पैसा कैश था, सारा 15 लाख करोड़ डिपॉजिट हो गया, तो ब्लैक मनी गई कहाँ? क्या बैक डोर इन्होंने खोल दिए जिनके ब्लैक, मेरे और आपके पास ब्लैक मनी नहीं था, हमारे पास था तो कभी 10,000 कभी 50,000 रुपया, 10-50,000 ब्लैक मनी में काउंट नहीं होता, काउंट होता 2 लाख करोड़ 4 लाख करोड़। जो अंबानी का 2 लाख करोड़ था वो कहाँ गया? वो जियो के अंदर गया, जो बड़े व्यापारी हैं। तो सर ये नोटबंदी जैसी चीज़ें, मेक इन इंडिया जैसी चीज़ें, ये सब इन्होंने सिर्फ कंपेन, स्लोगन। मेक इन इंडिया का जब इन्होंने नारा दिया, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने मेक इन इंडिया दिया, चाइना की कुछ इंडस्ट्रीज इंडिया आई, ओनली स्लोगन एंड स्लोगन। मेक सैमसंग का सबसे बड़ा प्लांट नोएडा में, बताते हैं उस पर बताते हैं, सैमसंग पहले से इंडिया में है। पहली चीज़, सैमसंग मेक इन इंडिया पे नहीं आया, सैमसंग पहले से आपका बेंगलुरु और चेन्नई रीजन में टीवी बनाता था इंडिया में, सैमसंग ऑलरेडी इंडिया के अंदर। और दूसरा, इतनी बड़ी कंपेन की, इतना पैसा खर्च किया, इतना विदेशों में विजिट किया आपने, देश की इकोनॉमी धराशायी हो गई। एक कंपनी है सैमसंग, एक सेगमेंट आया मोबाइल, बाकी सेगमेंट कहाँ गए? देश की इकोनॉमी सिर्फ मोबाइल से थोड़ी चलेगी, किसान मोबाइल खा के थोड़ी ज़िंदा रहेगा, रेडी पटरी वाले जो है मोबाइल से थोड़ी ज़िंदा रहेंगे। सर आज एक जियो का निगेटिव इम्पैक्ट बताया, तो आज इंडिया के अंदर RF नेटवर्क इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमारे मोबाइल, आपके और मोबाइल के सिग्नल गायब हो गए हैं। ये दूरगामी साइड इफेक्ट्स आने वाले हैं। हेल्थ में इन्होंने क्या किया, एजुकेशन में इन्होंने किया, नील बटा सन्नाटा। तो अगर आप खुद अपनी लाइफ को, आप एंकर है, आप खुद अपनी लाइफ को देखिए, क्या आपकी कंपनी उतनी उत्साहित है कि आप वो 25% का ग्रोथ दे रही है?
ना व्यापारी खुश है, ना किसान खुश है, ना एम्प्लाई खुश है। तो मोदी सरकार हकीकत में हम लोगों को बैकफुट पे लेके चली गई है सर। 6 महीने बाद चुनाव है, लगभग 6 से 7 महीने में चुनाव हो जाएंगे, क्या आपका रहेगा? हम तो इस बार वोट किसको देंगे, लेकिन मोदी के अगेंस्ट कंपेन करेंगे, एंटी मोदी कंपेन करेंगे और खुला करेंगे, और पहले भी करते रहे हैं। नोटबंदी जब हुई थी तो भी हमें खराब लगा, पिछले चुनाव में हमने इनको सपोर्ट किया था। नोटबंदी में ज़्यादा पैसा तो नहीं फंस गया था ना? हमारी श्रीमती जी आज भी बोलती हैं कि 30,000 रुपया हमारा मोदी की वजह से चला गया, 30,000 रुपया उनके पास था, वो निकला है, और वो आज भी बोलती हैं। तो आपके पास चला गया ना? कहीं भी गया बट उनकी जेब से चला गया ना। आपको तो प्रॉफिट हुआ? हमको प्रॉफिट हुआ, बट एक जनरल गृहिणी का आप सोचिए, गृहिणी का जो पैसा है वो 100-100 रुपया बचा के गृहिणी 30,000 कलेक्ट करती है, हम और आप 30,000 सैलरी पाते हैं, महीना खर्च करते हैं, अगले महीने फिर आता है, बट एक गृहिणी बेचारी 100-100 रुपया इकट्ठा करती है, और वो 30,000 इकट्ठा होने में मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ शायद उसने 2 साल इकट्ठे किए होंगे। कभी मायके से उसको 500 रुपया मिला, कभी ससुराल से उसको 100 रुपया मिला, कभी हमारे कपड़ों से निकला। तो गृहिणी का दर्द गृहिणी बताएगी, ये मुझे अच्छे से पता है। तो सर मोदी सरकार के स्लोगन के सिवाय तारीफ करने के लिए कुछ नहीं है, स्लोगन वो जितने देने चाहें आपको दे देंगे। भारत नारे वाली सरकार आप कह रहे हैं? नारे वाली सरकार, जुमले वाली सरकार तो खुद मान चुके हैं, अमित शाह जी ने मीडिया में खुद बोला कि ये तो अच्छे दिन तो जुमले। 15 लाख के बारे में? 15 लाख तो सर वो इतना भद्दा मजाक, हमें उस उम्मीद नहीं थी कि हमारे देश का होने वाला प्रधानमंत्री करेगा, प्रधानमंत्री बनने के पहले का मजाक है। तो उनको ये कैलकुलेशन देना ही नहीं चाहिए, ये कैलकुलेशन मुझे भी पता था, हर पढ़े लिखे आदमी को पता था कि 15 लाख अगर सारी ब्लैक मनी आ जाए तो हो जाएगा, बट ब्लैक मनी संभव नहीं है ना आना। क्यों? क्योंकि ब्लैक मनी है किसके पास? नेताओं के पास। आप इन्हीं नेताओं की जन्म कुंडली ले लीजिए, मोदी जी थैला लेके निकले थे आप, 10 लाख का सूट कहाँ से आता है उनके पास? इनके पार्टी का चंदा आप उठा के देख लीजिए, पार्टी के पास इनके गंभीर आरोप भाई साहब लगा रहे हैं, बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बड़ा गुस्सा भी लग रहे हैं इस सरकार से। चंदा व्हाइट में क्यों नहीं लेते ये बताएं, चंदा इनके पास 20-20 हज़ार करोड़ कहाँ से आता है? मेरे और आप खून पसीने की कमाई है, सारा ब्लैक में आता है। वो आता ही जब नोटबंदी हुई तो बैकडोर से घूम फिर के आता है। इनका जो अंबानी अदानी है उनका ग्रोथ हर साल 2 गुना 4 गुना है, किसान बेचारा वहीं भूखा मर रहा है, ये रेडी पटरी वाले सब भूखे मर रहे हैं सर, हम और आप रोड में टहल रहे हैं। तब क्या मोदी जी से खुश हैं? बहुत खुश हैं। काहे खुश हैं? काहे खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, मैं नहीं पूरे देश खुश है। ये तो ना खुश चल रहे थे उधर भाई जी, अभी विपक्ष वाले हैं। विपक्ष वाले हैं? जनता भी विपक्ष की होती है। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं होती है? जैसे क्या 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 खुश हैं? हर तरह से खुश हैं। कारण क्या है खुश का? खुश का कारण जो नोटबंदी हुआ तो आपको फायदा हुआ, 15 साल पहले होना चाहिए था जो आज हुआ, इससे आपको क्या फायदा? बहुत फायदा हुआ है। पहले लोग भैया गाली दिया करते थे, अब कहते हैं भैया क्या हालचाल है, ठीक हो आप? तो हाँ ठीक हैं। कौन कहते हैं जो गाली दिया करते थे? ये मोदी जी का देन है। कौन आपको गाली देता था? जो वैसे लोग थे। आपका बात कंफ्यूज कर रहा है, आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं जो ब्लैक मनी वाले थे नहीं समझते थे पैदल वालों को, आज इज्जत से बात करते हैं उनसे, भैया फलाने जगह कहाँ पड़ता है तो बताने में भी खुशी होता है। नोटबंदी का कारण? नोटबंदी का असर है ये। गजब फॉर्मूला आप लगाए, मुझे पता नहीं चल रहा है कि भाई नोटबंदी के कारण ठीक से बात करने लगा। ये तो विजय माल्या कहाँ गया? विजय माल्या घूमने गया है, वो आएगा। कौन लाएगा? चल जाएगा, मोदी जी लाएंगे उसे। और नीरव मोदी? वो भी आएगा। कहाँ जाएगा वो? वो आएगा 100% आएगा। कब? बस बहुत जल्द आने वाला है, 2019 से पहले आ जाएगा वो देश में। आपको सारा खबर कैसे है? कब? पेपर देखते हैं, आता है, आएगा वो। आएगा क्यों नहीं आएगा भाई? तो बहुत ही, तो बड़ा कट्टर सपोर्टर दिख रहे हैं मोदी जी के।